शहर के सेक्टर 6 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वासियों ने आज सुबह कॉलोनी में अवैध रूप से लग रहे टावर का विरोध किया। सेक्टर वासियों ने बताया कि हमारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जियो का टावर लगाया जा रहा है, जो आने वाले समय में बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि हम पहले भी प्रशासन से इस टावर को हटाने के लिए गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हम सभी सेक्टरवासी सरकार और प्रशासन से कहते हैं कि इस टावर को जल्द से जल्द यहां से हटाया जाए, ताकि आने वाली बीमारियों को पनपने से रोका जा सके। यहां ये टावर लग रहा है, हम सभी जो सेक्टरवासी हैं, हाउसिंग बोर्ड वासी, इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमारे बच्चों पर, बूढ़ों पर, जो बीमार हैं उन पर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमने चौकी में यहाँ जो 13-17 थाना बना है सेक्टर 6 में, उसमें भी इसका लिखित में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हमें उस तरफ से भी कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। हम SDM के पास गए, हम नगर निगम कमिश्नर के पास गए, SDM ने बोला कि किसने बोला आपको ये हमारा काम है। हमने बोला जी 13-17 थाना वाले बोल रहे हैं इस टाइप से कि ये SDM का काम है। SDM ने तुरंत वहाँ से फ़ोन किया कि जो हाउसिंग जो हुड्डा में स्टेट ऑफिसर हैं, ये उनका काम है। हम वहाँ गए, हम पूरे धक्के खाते फिर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। 5-10 साल के बाद ये कैंसर तमाम प्रकार के रोग पैदा कर देता है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि न लगाया जाए। ठीक ना, हमारे उनसे प्रति परस्पर विरोधी नहीं है, इस टावर से हमें कोई विरोध है। टावर हटा लिया जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।